Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So actually this is a very important video for all those students who are eagerly waiting for hybrid mode and OBE exams. तो आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम प्लीज़ उसके बारे में अपडेट देते रहा कीजिए. सो यस्टरडे नाइट आई गॉट अ बिग अपडेट, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू ऑल एंड दैट इज़ रियली अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल. बट उससे पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने इसी सीरीज की एक वीडियो में 3-4 days back और यू कैन से लास्ट वीक एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ. ऑनलाइन एक लिंक फिल करना है, मीन्स उसमें आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करना है, जो कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है. तो अगर आपने वो फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वो मिल जाएगा किसी ना किसी इसी हाइब्रिड मोड वाली लास्ट वीक की किसी वीडियो में. एंड उस लिंक को आप फिल कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि अब तक 10,000 स्टूडेंट्स ने उस फॉर्म को फिल कर दिया है. एंड इन माई यस्टरडेज वीडियो आई टोल्ड यू ऑल कि जो डूसू के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर आशीष लांबा, उन्होंने भी अब इसको अपना समर्थन दे दिया है इस प्रोटेस्ट को. और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक लेटर लिखा था, जो लेटर मैंने कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था. तो अब सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि उस लेटर को वाइस चांसलर ने रिसीव कर लिया है. Means I got a photo of that letter on which the stamp of vice chancellor was there. तो अब receive कर लिया है तो obviously वो इसे पढ़ेंगे भी सही, और जब वो problems को सुनेंगे students की तो definitely, I think definitely 100% he will have to just consider those things. Means अगर वो अभी भी बिल्कुल एक deaf ear शो करते हैं, मीन्स वो दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से, तो ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन एवरीथिंग, ही हैज़ टू मेंटेन दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ. एंड सो आई एम 100% श्योर कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी. सो आई टोल्ड इन माई यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो, और आज की वीडियो में भी मैं वही बोलूंगी कि आप अपनी फिंगर्स क्रॉस रखें बट अपनी प्रेपरेशन को भी बिल्कुल भी ना रोकें. मीन्स द थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड, मीन्स हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, हम होप कर सकते हैं कि अच्छा ही होगा. बट 1% इफ दैट थिंग डजेंट हैपन, इट शुडेंट बी कि वी फील कि हमारे साथ तो चीटिंग हो गई. मीन्स हमने तो पढ़ाई ही नहीं की, हम तो इस होप में बैठे हुए थे कि OBE होगा. मीन्स OBE है तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही. OBE में क्या होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी आपको अगर पता ही नहीं होगा कि ये टॉपिक कहाँ पर है, कौन सी बुक में है, कौन से पेज पर है, तो तब भी आप कैसे पेपर कर पाएंगे. तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, आप अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें. और जैसे ही कोई और अपडेट मेरे पास आएगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर शेयरिंग दीज अपडेट्स विद मी. सो आई डोंट नो इवन आई डोंट नो देयर नेम्स, बट दे आर स्टिल सेंडिंग दीज मैसेजेस टू मी सो दैट आई कैन क्रिएट वीडियोज एंड एवरीबडी शुड कम टू नो अबाउट दैट थिंग. सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज शेयर दीज वीडियोज. मीन्स आप लोग वीडियोज शेयर नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्या है इस वीडियो को भी देखने के लिए एक 1,000-2,000 मैक्सिमम इतने ही बच्चे देख रहे हैं. तो अगर आप इन वीडियोज को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इनको देखेंगे, वो आगे शेयर करेंगे, तो ही आपकी डिमांड्स जो है वो सुनी जाएंगी. अगर आप सोचेंगे कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिया, उस पर एक कॉमेंट कर दिया और आपकी ड्यूटी खत्म, नहीं, आपकी ड्यूटी है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में पता चल सके. मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ है, मीन्स ऐसी भी कोई वीडियोस आ रही हैं, वो बेचारे परेशान ही बैठे होंगे. तो प्लीज शेयर दीज वीडियोस, लाइक देम. आप जितना वीडियोस को लाइक करेंगे उतनी वीडियोस रैंक होती हैं और उतनी ही ज्यादा उनको रीच मिलती है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट. एज सून एज आई विल गेट इट आई विल डेफिनेटली बी बैक विद अनदर वीडियो. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.